बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज मैं बना रही हूँ स्मोकी पालक कबाब। जी हाँ, आपने ये पहले नहीं सुना होगा, तो चले आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए जी 4 टेबल स्पून ऑयल के, और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 दरमियाने साइज़ की सब्ज़ मिर्च, 7 से 8 दाने इसमें साबुत लाल मिर्च के डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें लिया है ज़ीरा, जिसके अंदर काली मिर्चें भी हैं साबुत, और 1 दरमियाने साइज़ का इसमें प्याज डाल रही हूँ, और 1 दरमियाने साइज़ का ही हमें इसके लिए टमाटर चाहिए। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। जब ये थोड़ा ब्राउन हो जाए तो मैं इसको निकाल के मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर रही हूँ, इसका फाइन सा पेस्ट बना रही हूँ। उसी सेम ऑयल में मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। जब लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो जाए और ब्राउन हो जाए तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ वो सेम पेस्ट जो मैंने अभी प्रिपेयर किया था। और जब इस पेस्ट में भी बुलबुले आना शुरू हो जाए, मैं मोमो वाले बुलबुले की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसमें बबल्स आने की बात कर रही हूँ, तो मैंने इसमें शामिल किए हैं जी 3 कबाब। कबाब मैंने हाफ हाफ करके शामिल किए हैं, आप इसके पीसेस ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ में मैंने लिया है जी 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इसको मिक्स करके कवर करके छोड़ दिया है। जब इस पर ऑयल आना शुरू हो जाए, बिल्कुल इस तरह से ऑयल सेपरेट हो जाए, तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी पालक। पालक मैंने पहले से ही बॉईल करके उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और 1 सब्ज़ मिर्च डाल के ग्राइंड करके रखी हुई थी, और अब मैं इसको फिर से कवर करके छोड़ रही हूँ, और दूसरी तरफ मैं कोयले को सड़ने पुजने के लिए छोड़ रही हूँ जनाब। अब इसके अंदर भी बबल्स आ गए हैं, मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून देसी घी के, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें एक छोटा सा टुकड़ा फॉइल के पेपर का रख के वो कोयला जो काफ़ी देर से जल रहा था उसको ऊपर रख के इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल के इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जी जनाब, हमारी स्मोकी पालक कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। आप बिल्कुल बिलीव नहीं करेंगे, ये एक डिफरेंट टेस्ट था, मैंने खुद फर्स्ट टाइम ट्राई किया और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर रेडी हुई थी। हम पालक को आलू में भी बनाते हैं, चिकन में भी बनाते हैं, मटन और बीफ में भी बनाते हैं, लेकिन आप बिलीव करें जो इसके अंदर स्मोक का और कबाब का टेस्ट था, ये एक डिफरेंट टेस्ट था जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, और बिल्कुल बेसिक मसालों से मैंने बनाया है। इसमें नमक मिर्च हल्दी और 1 गरम मसाले के अलावा मैंने कुछ ऐड नहीं किया, और मैंने देसी घी की रोटी बनाकर चौपड़ के इसको रोटी के ऊपर रख के बिल्कुल देसी अंदाज़ में खाया। और आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे बेटे को भी इवन बहुत पसंद आई, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी बनी है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।